लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। इस कहावत को कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सार्थक भी किया है। इन लोगों में से ही एक हैं महिला पुलिस उप निरीक्षक एनी शिवा। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव आई सिनेमा आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है एक रोचक कहानी लेकर। यह कहानी है एनी शिवा की, जो कि केरला की एक महिला पुलिस उप निरीक्षक हैं और वर्तमान में देश सेवा कर रही हैं। एनी सेवा की कहानी लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है, क्योंकि उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। महिला पुलिस के रूप में देश सेवा करने वाली एनी सेवा एक शादीशुदा महिला हैं। जब उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी तभी उन्होंने विवाह कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश शादी के कुछ ही सालों बाद उनके पति ने उनका साथ छोड़ दिया। इस दौरान एनी शिवा की गोद में एक 6 महीने का बच्चा भी था। क्योंकि एनी शिवा ने यह विवाह घर वालों के विपरीत जाकर किया था, इसीलिए उनके घर परिवार वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया। किंतु एनी शिवा ने अपने हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। एनी शिवा ने अपने इस बुरे काल में खुद के और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए सड़क किनारे नींबू पानी बेचा, कई छोटे काम किए, यहाँ तक उन्होंने आइसक्रीम भी बेची है। जब एनी KNM गवर्नमेंट कॉलेज कांजी रामकुलम में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी तभी उन्होंने अपने परिवार से अपनी शादी को लेकर बात की थी, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य इस शादी के खिलाफ थे। इसीलिए एनी ने उनके विपरीत जाकर यह शादी कर ली, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। शादी के 2 साल के भीतर ही उनके परिवार और पति ने उनका साथ छोड़ दिया। एनी शिवा घर से निकलने के बाद अपने बच्चे के साथ अपनी दादी के घर जाकर रहने लगी। उनकी दादी की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वह 2 कमरे मात्र की एक झोपड़ी में रहती थी। अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने घर घर सामान की डिलीवरी करने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। इतना कुछ होने के बाद भी एनी अपने बच्चे की जिम्मेदारी को संभाला। बच्चे की परवरिश के साथ साथ एनी ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और समाज शास्त्र से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2014 में एनी ने तिरुवनंतपुरम में एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया और उसी के साथ में वह सब इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी करने लगी। 2016 में भाग्य ने उनका साथ दिया और वह सफल हुई। 2016 में सिविल पुलिस अधिकारी के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ। एनी यहीं पर नहीं रुकी। 2016 में डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद उन्होंने प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर का पद हासिल किया, जिसके बाद 1.5 साल की उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली और वर्कला थाने में पदस्थ हुई। अपनी सक्सेस स्टोरी से सबका दिल जीतने वाली एनी शिवा अपने बारे में कहती हैं, उन्हें ये बात जब मालूम हुई कि उनकी पोस्टिंग वर्कला पुलिस स्टेशन में की गई है, उन्हें बहुत खुशी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वही जगह है जहां वह अपने छोटे बच्चे के साथ काफी रोई थी उस समय जब उनके परिवार के लोगों ने उनको घर से निकाल दिया था और किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। एनी शिवा की इस स्टोरी को केरला पुलिस ने भी शेयर किया है और साथ यह भी लिखा है कि 18 साल की लड़की एक इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का सच्चा मॉडल है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम अपने आप को बहुत अकेला और कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों में अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ जीवन ने बहुत अन्याय किया, लेकिन उन्होंने संघर्ष में कभी कमी नहीं की और वह उस समस्या से ऊपर उठ गए। उम्मीद करता हूँ क्रिएटिव आई सिनेमा का यह प्रयास आपको पसंद आएगा और आप इसकी सराहना करेंगे। आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। आपका एक लाइक और शेयर हमारे इस चैनल के मोटिवेशन को बढ़ाएगा। आपसे उम्मीद करता हूँ यू विल लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर योर प्रीसियस टाइम।